बदनावर सीट पर जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल सकती है। एक और बीजेपी से जहां राजवर्धन सिंह दत्तीगांव मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को अभी भी आदत परफेक्ट चेहरे की तलाश है। प्रदेश में उपचुनाव की उठापटक साफ देखी जा सकती है। नेताओं कार्यकर्ताओं के दल बदलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। खासकर बदनावर की सियासत इन दिनों बदली बदली नजर आ रही है। किसी जमाने में बदनावर सीट पर पंजे की पकड़ बेहद मजबूत थी, लेकिन सिंधिया के एक वार ने न केवल पंजे की पकड़ ढीली कर दी बल्कि कट्टर कांग्रेसी दत्ते परिवार को ही भाजपा परिवार में तब्दील कर दिया। इस बार प्रेम सिंह दत्तीगांव के बेटे एवं बीजेपी के मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन इस बार चुनाव चिन्ह पंजा नहीं बल्कि कमल का फूल होगा। सबसे पहले तो बदनावर उन्होंने कभी देखा ही नहीं, शायद जीवन में पहली बार वो बदनावर आए। एक दिन चौपाटी से निकले थे वो, तब उनका जबरदस्ती हमने स्वागत कर दिया था। और जहाँ तक सौदे और व्यापार का सवाल है, पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है कि सबसे बड़ा राजनीतिक व्यापारी कौन है। कमलनाथ जी खुद व्यापारी हैं और छिंदवाड़ा के अलावा मेरे ख्याल से उन्होंने कभी प्रदेश में कहीं ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं। जहाँ तक उन्होंने ये कहा कि मैंने उनके साथ आकर सौदा किया था, मैंने उनके पास जाके उन्हें स्पष्ट एक पत्र दे के मैं आया था। उस पत्र की कॉपी मेरे पास में है। वैसे तो मुझे पत्र को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन कमलनाथ जी चाहेंगे तो मीडिया को पत्र में दे दूंगा। दरअसल धार जिले में सामान्य दो ही सीट है। ऐसे में सामान्य वर्ग के नेताओं की लंबी लिस्ट धार और बदनावर दोनों ही क्षेत्र में है। टिकट को लेकर लंबी प्रतिस्पर्धा भी रहती है। जिसे टिकट नहीं मिलता उसकी नाराजगी बढ़ जाती है। ऐसे में धार जिले से बीजेपी के कुछ नेताओं में असंतोष होने की खबर है। पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत पार्टी से खफा बताए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में उनका खेल बिगाड़ने वाले बीजेपी के बागी राजेश अग्रवाल अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो वहीं बात कांग्रेस की करें तो यहां 16 लोगों ने दावेदारी जताई है। खासकर धार जिले के अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम के छोटे भाई मनोज सिंह गौतम दावेदारों की फहरिस्त में सबसे आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ राजपूत, आदिवासी, पाटीदार, वैश्य समाज निर्णायक भूमिका में होता है। ऐसे में कांग्रेस को एक अदद परफेक्ट चेहरे की दरकार है, जो बदनावर सीट पर आपसी गुटबाजी को दरकिनार कर कांग्रेस की पकड़ को मजबूत कर सके। बहरहाल बदनावर पर उम्मीदवार का चयन चुनाव परिणाम की दशा दिशा बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News भोपाल।